जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश आप सभी का शिक्षा ओशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम सेना की कुछ नई उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। दोस्तों अगर आप सभी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सरहद पर और आतंकियों से मुठभेड़ में सेनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि हमारे सेनाओं की सुरक्षा, और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है और यह चिंता जायज़ भी है। लेकिन इस चिंता को कुछ हद तक कम कर दिया है हमारे सेना के ही एक मेजर, उनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा ने। अब मेजर अनूप मिश्रा ने चिंताओं कम कैसे कर दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जिस पर AK-47 जो राइफल है, AK-47 से 10 मीटर की दूरी से भी अगर इस हेलमेट पर गोली बुलेट चलाया जाए तो यह हेलमेट उस बुलेट को रोक लेगा। दोस्तों मेजर अनूप मिश्रा ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है कि अगर इस हेलमेट पर AK-47 से 10 मीटर की दूरी से भी अगर बुलेट चलाई जाए तो यह हेलमेट उस बुलेट को रोक लेगा। इससे फायदा यह होगा कि वह जो सेना जिसने वह सैनिक जिसने यह हेलमेट पहन रखा है उसको सर पर सुरक्षा मिल जाएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे देश में काफ़ी हद तक अवेलेबल हो चुके हैं और यह जो हेलमेट है यह भी पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों यह जो हेलमेट है यह दुनिया का प्रथम बुलेट प्रूफ हेलमेट है जो कि भारत के मेजर अनूप मिश्रा ने बनाया है। दोस्तों मेजर अनूप मिश्रा के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित की गई है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों मेजर अनूप मिश्रा भारतीय थल सेना से संबंधित है और यह एक कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में यह कार्यरत है। कौन? अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा इस कॉलेज में कार्यरत है। यहीं पर वो अपने प्रयोग करते हैं और सारे प्रोजेक्ट यहीं से वो पूर्ण करते हैं। यह कहां पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो हेलमेट है, यह किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यह हेलमेट एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है अभेद प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। अभेद प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा कवच जिसको कोई बुलेट पार ना कर पाए, उसको भेद ना पाए। यह जो कवच बनाने का कार्य है यह अभेद प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, यानी अभेद प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत और क्या क्या निर्माण किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेजर अनूप मिश्रा ने ही क्या निर्माण किया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट, यानी पिछले वर्ष उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण भी किया है। मेजर अनूप मिश्रा ने पिछले वर्ष अभेद प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण भी किया है और इस बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण करने के पश्चात उन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंट अवार्ड। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया उन्होंने, उनके पश्चात उन्हें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो अवार्ड है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल विपिन रावत इनके द्वारा इन्हें
आर्मी डिजाइन ब्यूरो ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष और वर्तमान में देश के प्रथम CDS है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों एक और क्या इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है, उसके अलावा और बात करते हैं, और उसके अलावा अनूप मिश्रा ने, यानी भारतीय मेजर, भारतीय के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया का सबसे सस्ता शॉर्ट गन या गन शॉट लोकेटर विकसित किया है। लोकेटर विकसित किया है, यह होता क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर विकसित किया गया। इसके द्वारा होगा क्या, यह किस प्रकार से फायदेमंद है? तो दोस्तों 400 मीटर की रेंज में, 400 मीटर की परिधि में, 400 मीटर की रेंज में अगर कोई बुलेट होगी तो उसका अनुमान या फिर उसकी स्थिति या लोकेशन यह लोकेटर बता देगा, और जो भी दुश्मन या फिर जो भी आतंकी मौजूद होगा उसको सेना उसके कुछ हलचल से पहले ही उसको ढेर कर देगी। यह इस लोकेटर की खासियत है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, यह लोकेटर जो दुनिया का सबसे सस्ता गनशॉट लोकेटर है, यह 400 मीटर की परिधि में किसी भी बुलेट का अंदाज़ा लगाने में सक्षम है। इसके अलावा तीसरा जो प्रोजेक्ट है या तीसरा जो है वो है बुलेट प्रूफ हेलमेट, जिसके बारे में हमने बात की। उसके बारे में एक बार रिपीट करते हैं कि यहाँ AK-47 की जो बुलेट है उसको 10 मीटर की रेंज से भी रोक सकता है। तो दोस्तों यह कुछ उपलब्धियां हैं जो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा हासिल की गई, और यह देश के सैनिकों के लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कुछ नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।